मेरे पीछे जो आप ये ट्रेन की बोगी देख रहे हैं और जिस पे लगातार काम चल रहा है, ये एनजेपी से चल के नई दिल्ली नहीं जाने वाली है और ना ही ये एनजेपी से चल के डिब्रूगढ़ जाने वाली है, बल्कि ये बोगी यहीं रहने वाली है और इस बोगी में आप जम के लजीज खाने का लुत्फ़ उठा पाएंगे। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, तैयारियां ज़ोरों पे है क्योंकि जो टाइम है, जो मकसद है, वह है कि दुर्गा पूजा के पहले पहले इस अनूठे रेस्टोरेंट को तैयार कर लिया जाए। तो चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं, बाहर का जो काम चल रहा है फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए, लेकिन हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर जाके दिखाएंगे आपको कि कितने लोग को एकोमोडेट किया जा सकता है। एनजेपी स्टेशन पे ये स्क्रैप जो बोगी है सबकी नज़र पड़ती होगी, कमोवेश सभी ने देखा होगा, लेकिन कम लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर इसको यहाँ रखने का मकसद क्या है। तो अब मकसद साफ है, इस क्रैप की वे बोगी में रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा है पूरे शहर के लिए। तो देर नहीं करते हैं और अंदर चलते हैं, दिखाते हैं अंदर की तैयारियां कि किस तेज रफ्तार से ये तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही है। तो रेस्टोरेंट के अंदर हम पहुंच चुके हैं, रेस्टोरेंट बनने की प्रक्रिया फुल स्विंग में चल रही है। काम हम आपको दिखा दें कि लगातार जो लेबर हैं वो लगे हुए हैं और जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक दुर्गा पूजा के पहले पहले इस रेस्टोरेंट को तैयार किया जाना। हमारे साथ शिशिर हालदर जी हैं जो कि मैनेजर हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शिशिर जी, क्या लगता है दुर्गा पूजा में वक्त कम है, हो जाएगा? कोशिश तो करेंगे होने का, दुर्गा पूजा पहले ओपनिंग करना है, बोल दिया रेलवे वाला, देखेंगे जैसे भी करना है। ये आइडिया रेलवे का है? आइडिया तो रेलवे का था लेकिन कंपनी की तरफ से हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो क्या क्या खासियत होगी इस रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में सब कुछ खाना मिलेगा, रेस्टोरेंट जैसा होता है। 40 सीट रहेगा बैठने का, सीट अब रहेगा 40, उसके बाद जो भी जो अच्छा वाला खाना होता है रेलवे की तरफ से वो भी तो होगा रेस्टोरेंट की तरफ से। तो वेज होगा या नॉन वेज होगा? वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा। वेज नॉन वेज, और शेफ कहाँ के होंगे? क्योंकि स्वाद को लेके हमारे बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, स्वाद से समझौता नहीं कर सकते हैं। ना, कुक तो इधर बंगाल का ही होगा, ठीक है। अच्छा। और साउथ इंडियन भी रहेगा कुक, सब कुछ रहेगा इधर। अच्छा, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस है ना मैम, मेन बात टूरिस्ट प्लेस, यहाँ नाना मतलब दुनिया फ्लेवर का आदमी आता है, तो उसके लिए आपको बढ़िया सर्विस देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मतलब हम लोग चाहते हैं बढ़िया इसका क्वालिटी करें, सब कुछ बढ़िया तरीका से हो, यही सब। तो जैसा कि आपने कहा कि टूरिस्ट प्लेस है, तो एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद भी इसके पीछे हो सकता है। राइट। तो और क्या क्या विशेष तैयारियां हैं, क्यों लोग यहां पे खाने आएंगे? जस्ट बिकॉज कि एक स्क्रैप है, क्योंकि ऐसा ही मैंने देखा था अपना कूच बिहार में भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। मेन बात मैम, यहाँ अभी तक कोई तो अभी तक कोई रेस्टोरेंट बना नहीं, हम लोग का पहले टेंडर है। अभी रेलवे देखिए, इसको हम कंपनी को दिया, हम लोग चाहते हैं इसको बढ़िया से तरीका से चलाए, ठीक है। हम लोग चाहते हैं, मेन टूरिस्ट प्लेस है तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पैसेंजर आए, देखे, ठीक है, खाना वाना खाए, कोई बाजार कुछ नहीं। तो आसपास तो वैसे भी छोटे मोटे होटल है, एक शानदार होटल टाइप देने का। अच्छा, अपना किचन दूसरी तरफ होगा? हाँ, तो चलिए हम आपको किचन की तरफ भी लेके चलते हैं कि किचन कहाँ बनने वाला है। लेकिन ये जगह आप ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे जैसा कि शिशिर जी ने बताया और उनके सहयोगी ने बताया कि कुल 40 लोगों को अकोमोडेट किया जा सकेगा। वेज और नॉन वेज दोनों ही प्रकार के खाना जो है वो सर्व किया जाएगा, लेकिन खाने की क्वालिटी पर पूरा ख्याल रखा जाएगा। जहाँ एक तरफ लोगों को भोजन से बड़ा प्यार होता है, वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है, तो इन दोनों बातों का ख्याल रखना है और जो ग्राहक निराश हो के ना जाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसका भी पूरा ख्याल रखना है। तो चलिए अब हम आपको उस तरफ लेके चलते हैं जहाँ पे किचन होगा और जहाँ से पूरा खाना यहाँ पे बैठने वाले जो विजिटर्स आएंगे उनको सर्व किया जाएगा। कितने स्टाफ होंगे वो तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपको किचन एरिया में हम पहुंच चुके हैं। क्या क्या चिमनी वगैरह सब होगा यहाँ पे? रेडी हो रहा है। अच्छा, सेफ्टी के लिहाज से क्या क्या कदम उठा रहे हैं आप? अभी तक मैम इसके लिए अभी तक हम लोग का मतलब कोई ये नहीं आया, ठीक है, अभी आएगा, अभी काम चालू है,
देखिए क्योंकि समय कम है, दुर्गा पूजा के पहले पहले ओपनिंग करनी है, लगभग लगभग एक महीना ही बचा है, एक महीने से कम ही है, 15-20 दिन है, आज तो 15 तारीख हो गई, 1 तारीख में तो है, 1 तारीख में है तो 15 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे तैयार करने के लिए, ठीक है, यही कोशिश कर रहे हो, दिन रात पूजा में भीड़ भाड़ होता है मैम, तो अभी स्टूडियो प्लेस आएगा इसलिए हम लोग भी चाह रहे जल्दी जल्दी ओपनिंग हो जाए। तो अपने स्टाफ यहाँ पे शेफ कितने होंगे या फिर इसके बारे में कोई अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, कितना शेफ रहेगा, कितना कुक रहेगा, और डिसाइड करेंगे ओपनिंग जब होगा उसको पहले। अच्छा ठीक है, तो पहले दिन ग्राहकों को क्या मिलने वाला है, फर्स्ट डे इज वेरी इम्पोर्टेंट। वो तो अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं हुआ, जब होगा तो पता चल जाएगा आप लोगों का। अच्छा ये एसी होगा या नॉन एसी? एसी होगा, एसी होगा, कंप्लीट एसी रहेगा। इसके अलावा और क्या क्या खासियत होगी इसमें? इसमें डिजाइन वगैरह तो बहुत होगा, जब कंप्लीट होगा उसको बाद तो आपको देखना आसान। जैसे मैं ये जानना चाह रही थी कि जगह जगह जैसे हम लोग नॉर्थ बंगाल में हमारे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे आप सफारी की बात कर लें या टॉय ट्रेन की बात कर लें या फिर कॉर्नेशन ब्रिज की बात कर लें, ये तमाम चीज़ें जो नॉर्थ बंगाल को एक्चुअल में नॉर्थ बंगाल बनाते हैं, तो क्या कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे आप डेकोरेशन? बाहर में डेकोरेशन तो इसी प्रकार का होगा, अंदर में भी कुछ होगा, ठीक है, बाहर में तो हो रहा है इसी प्रकार का, बाहर में होगा अंदर में कुछ भी होगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि सर भी बता रहे थे, सर क्या नाम है आपका? मेरा रूपम सेन। तो रूपम जी जैसे कि बता रहे थे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, रूपम जी बता रहे थे कि टूरिस्ट को खास ध्यान में रखा जाएगा, तो क्या कुछ इसी तरह का अटायर भी होगा जो हमारे सर्व करने के लिए, फूड सर्व करने के लिए, क्या कुछ खास परिधान उनको दिया जाएगा, कुछ खास वेशभूषा होगा उनका? इसके लिए मैं बोला ना, अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ क्या होगा नहीं होगा, हाँ वही बात है ना, मैं ना अभी तक इसका कोई डिस्कस नहीं हुआ, अभी तक होगा, हम लोग चाहते तो जल्दी हो जाए सब कुछ, कुछ ना कुछ तो होगा। 15 दिन में क्या क्या करेंगे? 15 दिन में सारा काम पड़ा हुआ, तैयारियां तो आधी अधूरी है, आधी अधूरी है लेकिन कर देंगे, कोशिश तो कर रहे हैं ना, करना ही पड़ेगा। अच्छा ये बता दीजिए फटाफट हमारे दर्शकों को कि पहले दिन का आकर्षण क्या रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ 40 लोग अकोमोडेट कर पाएंगे आप यहाँ पे, और लोगों की भीड़ लगी होगी, लोग सभी चाहना चाहेंगे कि पहले दिन के वो गवाह बने। पहले दिन के क्या होगा अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, जब काम खत्म होगा इधर उसके बाद सब डिसाइड करेंगे क्या होगा, अभी तो बोल नहीं पाएंगे ना, हम लोग का तो ऊपर कुछ है ना मैनेजर लोग। तो चलिए अभी बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है बातचीत से कि जो भी होगा बहुत ख़ास होगा, बहुत नायाब होगा, और सिलीगुड़ी के लिए तो बहुत ही नई बात है। मुझे याद है जब मैं लुधियाना के टॉर पे एक बार गई थी, तो वहाँ पे स्क्रैप जो प्लेन था उसके ऊपर रेस्टोरेंट बनाया गया था, और दूर दराज से उस रेस्टोरेंट में लोग फूड का जो लुत्फ़ उठाने आते थे वो तो आते ही थे, लेकिन जो स्क्रैप एरोप्लेन के अंदर किस तरह से रेस्टोरेंट बनाया गया है वो भी एक आकर्षण का केंद्र था। तो अब उम्मीद करते हैं कि NJP स्टेशन में, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एक कॉरिडोर माना जाता है, कहीं भी जाना हो अगर आपको सेवन सिस्टर्स, तो आपको NJP से होके गुजरना पड़ेगा। खाने की अब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लोगों को, और साथ ही एक खूबसूरत एम्बियंस के अंदर वो खूब लजीज फूड का लुत्फ उठा पाएंगे। तो अब देखते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन क्या कुछ नया ये लोगों को सर्व करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।